हम खा लेते हैं पूरा पैसा। लेकिन गुटखा खाए हो तो पैसा कहाँ से आता है? मांग लेता हूँ। अच्छा, क्या बात है सर, क्या बात है। तो फ्रेंड, यहीं पर कुछ ऐसे नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं जो देखकर हमारी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। तो हम इस समय यहां पर हैं और ये देख सकते हैं, ये हमारे सामने जो है हमें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि हम कहें तो बहुत ही बड़ा जो है सांप हमारे सामने है और डर का माहौल बहुत ही ज़्यादा बन जाता है। तो मैं एक बार कैमरा बैक करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, मैं छोटू, कितने दिन से यहाँ पे करते हो, यहाँ पे आते हो, सांप दिखाते हो? रोज आते हैं। रोज आते हो तो पैसा वैसा मिलता है? हम 6 महीने से लगता है। अच्छा, 6 महीने से। हाँ। तुम लेकिन गुटखा खाए हो तो पैसा कहाँ से आता है? मांग लेता हूँ। अच्छा, मांग लेते हो? हाँ, मांगने पे जो पैसा मिलता है उसी से तुम गुटखा खा लेते हो? हाँ। खाना खाता हूँ और आज खाए हैं खाली। हाँ, गुटखा। अच्छा, सिर्फ आज गुटखा खाए हो। तो ये भाई साहब एक गाना सुनाएंगे हमें, बहुत ही बेहतरीन। हाँ भाई, सुनाओ गाना। जिंदगी है मगर पढ़ाई है, इतना में इच्छा कमाई है। जिंदगी है मगर पढ़ाई है। वाह भाई वाह, जिंदगी है मगर पढ़ाई है, ऐसा कुछ करके पराई है। वाह भाई वाह, जिंदगी है मगर पराई है। वाह भाई वाह, ये छोटू ने हमें बहुत ही प्यारा जो है सॉन्ग सुनाया। सॉन्ग हमें नहीं पता था, हम नहीं सुने थे, लेकिन भाई साहब ने बहुत ही प्यारा सॉन्ग सुनाया। और देख लीजिए इनका जो सांप है, एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये बहुत ही डरावना सांप। पैसा जो है तुम्हें पापा नहीं देते हैं? हम खा लेते हैं पूरा पैसा। पैसा खा लेते हो पूरा? तो पापा तुम्हारे क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? काम। क्या काम करते हैं पापा? ईंटा गाड़ा था। अच्छा, ईंटा गाड़ा करते हैं और तुम गुटखा खाते हो? हाँ, आप क्या करते हैं, आप गुटखा खाते हैं? गुटखा खाते हो तुम? नहीं खाते हो? भरा, मुंगा भरा। अच्छा, देख लीजिए गुटखा ये भी खाते हैं, गुटखा और ये भी खाते हैं भाई साहब, दोनों लोग गुटखा खाते हैं। यहाँ पर मेहनत करते हैं, सांपों को दिखाते हैं और उसके बाद में उससे जो भी पैसा आता है ये सब लोग गुटखा खा लेते हैं। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि थोड़ी सी मदद कर दें इन सब की, लेकिन जो है हाथ में पैसा ना दिया जाए, क्योंकि ये सब लोग उसका गलत उपयोग करते हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे किस प्रकार से ये सब लोग गुटखा खाते हैं, अभी बचपना है इन सब का और ये गुटखा खाने की शुरुआत कर दी है। तो आप सब लोग समझ ही रहे होंगे कि इनका जो भविष्य किस प्रकार बीतेगा। हमने जहाँ तक हो सका है इन बच्चों को जो है पूरी तरीके से समझा दिया है कि ये सब लोग गुटखा नहीं खाएंगे, जो भी ये खैनी नहीं खाएंगे। तो हम भी चाहते हैं कि कोई भी गरीब ना रहे, कोई भी गरीब जो है भूखा ना सोए, और रिक्वेस्ट करते हैं आप सबसे बार बार कि हाँ, किसी गरीब का जो है अगर हो सके तो आपसे भला करें। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।